अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, आज हमारे पास है सैमसंग S22 अल्ट्रा और वन प्लस का 10 प्रो। इन दोनों की स्पीड टेस्ट हम आपको करवाएंगे। दोनों में ही सेम प्रोसेसर लगे हुए हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। ये भी गेम के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। ये भी पबजी 90 FPS चलाता है और वन प्लस 10 प्रो भी पबजी 90 FPS चलाता है। दोनों में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है। बैटरी भी दोनों की सेम ही है, 5000, ये आप देख सकते हैं। पैनल दोनों का एमोलेड पैनल है, आप देख सकते हैं। इन दोनों का पावर ऑफ स्पीड टेस्ट अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा पहले बंद होगा। पावर ऑफ हम दोबारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि सैमसंग में एक दूसरा ऑप्शन भी आया और वन प्लस में वो ऑप्शन नहीं आया, तो इसको सेम करके हम ऑफ करेंगे। अभी ऑन का टेस्ट आपको दिखाते हैं। दोनों के पावर बटन को हमने प्रेस किया, ये आप देख सकते हैं। ये है सैमसंग S22 अल्ट्रा और ये है वन प्लस 10 प्रो। अभी देखते हैं कौन सा वाला जल्दी ओपन हुआ। ये आप देख सकते हैं वन प्लस 10 प्रो इसमें से जल्दी ऑन हो गए। पैनल अगर आप दोनों का देख लें तो बेहतरीन पैनल है, एमोलेड। या आप खुद मुआयना कर सकते हैं कौन सा वाला अच्छा है। पावर ऑन होने में वन प्लस 10 प्रो जल्दी ऑन हो गए। बाकी दोनों की स्पीड आप खुद देख लें। हम आपको कोई और ऐप इसमें चला के दिखाते हैं। ये कॉन्टेक्ट्स का ऐप है, आप देख सकते हैं। ये नहीं लगा 10 प्रो वाला। वन प्लस 10 प्रो का कैमरा ही बहुत ही जल्दी ओपन हो गया। ये देख ले आप फिर से, 10 प्रो का कैमरा बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है। लेकिन अगर पिक्चर की क्वालिटी आप देखें सैमसंग की, तो इसमें ग्रीनिश बहुत ज़्यादा है, इसमें कलर से ये आप देख सकते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी में कलर्स है। 10 प्रो का अगर आप देख लें तो ये रियल पिक्चर दिखाता है। जैसे इसका कलर है तो ये वैसे ही कलर दिखाता है, ये आप देख सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन में भी इसके पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये वन प्लस 10 प्रो की पिक्चर क्वालिटी है और ये सैमसंग S22 अल्ट्रा। ये आप देख सकते हैं 10 प्रो की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इसमें रियल कलर्स हैं। और सैमसंग में जो है ये आपको दिखाता है कलर्स फुल पिक्चर, मतलब इसकी डिस्प्ले कलर है। जैसे आईफोन के पैनल में बेहतरीन कलर है, इस तरह सैमसंग के पैनल में भी बेहतरीन कलर है, आप देख सकते हैं। अभी दोनों का दोबारा हम आपको दिखाएंगे पावर ऑफ टेस्ट, क्योंकि पहली बार जब हमने आपको दिखाया था तो इसमें सैमसंग में दूसरा स्टेप भी था। ये आप देख सकते हैं, ये 10 प्रो है, ये S22 अल्ट्रा।
दोनों को पावर ऑफ करते हैं, दोनों ही बिल्कुल ही सेम टाइम में ऑफ हो गए। दोबारा भी आपको इसका पावर ऑन टेस्ट अभी आपको दिखाएंगे। इसमें पहले 10 प्रो बहुत जल्दी ही ऑन हो गया था। सैमसंग का लोगो पहले आया, वन प्लस का बाद में, लेकिन अभी देखेंगे दोबारा कि इसका मतलब स्क्रीन में एक पहले कौन कौन सा वाला जाता है, कौन कौन सा वाला होगा। ये देख ले, 10 प्रो ऑन हो गया, S22 अल्ट्रा इसके बाद ऑन हो गया। जिस भाई को भी चाहिए वन प्लस 10 प्रो हमारे पास अवेलेबल है, PTA प्रूफ अगर आपको चाहिए प्यारे भाई तो ये आपको मिलेगा 1,55,000 रुपये का, 8,256। और अगर S22 अल्ट्रा प्रेश आपको चाहिए सिर्फ 12,256 PTA प्रूफ, तो ये आपको मिलेगा 2,60,000 रुपये का। दोनों के प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अगर 10 प्रो आप 12,256 लेते हैं तो ये मिलता है 1,60,065 तक, ये S22 अल्ट्रा 2,60,000 का या 2,50,000 का, तकरीबन 1,00,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन वन प्लस 10 प्रो भी बहुत बेहतरीन फ़ोन है इस प्राइस में। ये पबजी भी आपके लिए 90 FPS में खेलेगा। जिस भाई को भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम ID अवेलेबल है, शॉप का एड्रेस भी मेंशन है, आप शॉप भी आ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता करके इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। शुक्रिया।